इसकी क्या एक वजह ये भी है कि हाजरा अनफॉर्चुनेटली हम अक्सर सुनते हैं, बहुत सारे अदाकार भी ये बात करते हैं कि देर इज़ अ क्लियर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन आर इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जो काम जिनको मिलता है अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं यार कि वो आपकी एफिलिएशन कनेक्शंस की बुनियाद पे मिलता है, नंबर एक। नंबर दो, एक सर्टन, जैसे हम अपेरेंस की भी बात करते हैं, एक सर्टन अपेरेंस के लोगों को ज्यादा प्रिफर किया जाता है ओवर अदर पीपल। फिर होता है जी कि जो जिस किसी का काम करने का अंदाज कैसा है, उस पर आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई कि यार कि वो चले अंदाज ही कह लेते हैं जिसका काम करने का अंदाज कैसा है, उस पे ऊपर भी प्रेफरेंस होती है। तो क्या इस तरह के चैलेंजेस भी आप फेस कर रही हैं, करती आई हैं, या वो खत्म हो गए? अच्छा, आपके पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। व्हाट वाज योर फर्स्ट पॉइंट? के जान पहचान से। सी, इट्स अबाउट द एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी। वो कुछ लोगों को आसान हो जाता है और कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करना, या उस इंसान से, या कोई प्रोडक्शन हाउस अगर है तो उसमें कास्टिंग एजेंट से मिलने का जो सिलसिला है उसमें बीच में आपका गेट का चौकीदार से लेके आपके एडीज, आपका रिसेप्शनिस्ट, जो फिर आपको कहीं जाके, और आप चार पांच चक्कर लगाएंगे प्रोडक्शन हाउस के, फिर आप कहीं जाके कास्टिंग एजेंट से मिलेंगे, बिकॉज यू ऑल्सो कैन नॉट गेट एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम देम, यू नो, प्रायर टू शोइंग अप एट द ऑफिस। वेयर एज जो किसी का कॉन्टैक्ट होता है तो उनको एक कॉल की देर होती है और वो पहुंच जाते हैं। तो दिस इज़ द एक्सेस टू द राइट पीपल। और जहाँ तक लुक्स की बात है, उसमें मैं शुरू में शायद मैं ऐसे सोचती थी, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं सोचती, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ हाउ यू नो वुमेन एंड मेन लुक इन आवर इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो थिंग्स आर चेंजिंग। तो ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मूला है जो कि चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, नहीं, आई सी अ लॉट ऑफ वैरायटी इन फेसेस एंड यू नो। तो आई डोंट थिंक, आई थिंक इट्स अबाउट हु क्लिक्स एंड हाउ दे क्लिक एंड देयर वर्क एंड एक्सेप्टेंस, एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स नॉट आर्ट एनी मोर, इट्स अ बिजनेस, सो एवरीबडी लुक्स एट रेटिंग्स। तो जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी आ गई, तो इवन अगर पोटेंशियल इतना है भी नहीं तो उसको चढ़ा दिया जाएगा, बिकॉज फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ विन। बिल्कुल सही बात है। तो वो वाला तीसरी जो मैंने आपसे बात की थी, उसको इस तनाजुर से भी देखा जा सकता है। जैसे ऑफकोर्स आपका आई एम श्योर अपने करियर को लेके, या जिस तरह के किरदार आप करना चाहती हैं, जिस तरह की स्क्रिप्ट आप करना चाहती हैं, उसको लेके एक विजन होगा। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जिस तरह का कॉन्टेंट क्रिएट हो रहा है, जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, क्या वो आपके विजन के ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं? और उस वजह से कुछ इख्तलाफ हो जाता होगा, कभी कोई स्टोरीज को किरदार आपके पास आते होंगे, आप कहती होंगी ये तो मैं नहीं करना चाहती। एंड पता है, इस सब में जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, दैट इज टू से नो। अब हसन, मुझे, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है। मैं टेम्प्ररी कुछ साल गुजारने के लिए नहीं आई हूँ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, और मैं मरते दम तक एक्टिंग करूंगी। मेरा वो वाला पैशनेट वाला सीन है यार, ये वाला कॉन्फिडेंस और ये वाली पैशन चाहिए यार आप जॉब। एंड द थिंग इज, लाइक यू सेड, कि थिंग्स आर चेंजिंग, तो लोग, तो जो द टर्म हीरोइन हैज इवॉल्व्ड, बिल्कुल ठीक है, इट्स नो, मतलब, और बहुत थोड़ा थोड़ा होना शुरू है, बट आई कैन सी इट, सो इट गिव्स मी सम होप कि हीरोइंस आर नॉट लुक्ड एज यू नो एज एन ऑब्जेक्ट एनी मोर, देर इज मोर टू इट, देर इज मोर डेप्थ इन इट। फॉर एग्जाम्पल, रास्ती इन जॉयलैंड, शी कैरीड द एंटायर फिल्म, दैट्स वन एग्जाम्पल ऑफ इट। कमली, देर इज मौला जट, हुमायमा मलिक इन मौला जट, शी स्टोल द शो, शी वॉज अमेजिंग। तो आई थिंक वो जो कॉन्सेप्ट है हीरोइन का, वो अब जरा इवॉल्व होके ना वो हीरोइन स्लैश एक्टर भी चाहिए है। सो आई सी डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, यू नो, फाइटिंग फॉर दैट, एंड ऑल्सो आई हैव हैड डायरेक्टर्स फाइट फॉर मी, सो आई नो हाउ फार अ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन कैन गो। तो जब कोई मुझे कहता है ना आके कि ओ हाजरा, प्रोडक्शन हाउस से बात नहीं बनी, इसीलिए वी कुडंट कास्ट यू, तो मैं कहती हूँ यार, यू नो व्हाट, give this to someone else. I don't believe you. Because directors like Anjum Shahzad, directors like Suhail Javed, directors like Shahid Shafat have fought for me and made me hold my space in where I want to work. और वो तभी होता है जब एक एक्टर को, एक आर्टिस्ट को अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। और अवाम की जहाँ पे बात होती है, तो हाजरा, हमारा अगला जो सेगमेंट है, इसका नाम है अवाम की आवाज। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ चलें और हम उन हाथों में जाके बैठें। हम चाह रहे थे कि ये रजिस्टर हूँ,
आज आपने ये बात हमें बता के इतनी खुशी दी है कि ये हमारे जो आवाम के हाथ में रजिस्टर हो चुके हैं, तो हम चलते हैं वहाँ पे। इसलिए आपको तो पता ही होगा फिर कि सेगमेंट क्या है, आपको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सेगमेंट क्या है। You know what the segment is, right? No, I don't. You just wanted to sit on the chair. Yes, because they're beautiful chairs. Okay, okay. It's like a piece of art right there. Okay, okay. So basically, हमारा जो segment है, इसमें हमारे correspondent हैं, जो जाते हैं on the street, unfiltered opinion हमारे guest के बारे में लाके उनके साथ हम share करते हैं। चलो। क्या आप तैयार हैं? Yeah. I know. I think I know what's coming. चलो। Idea. हेलो एवरीबॉडी, दीदी सरफराज मुगल एंड यू आर वाचिंग द टॉक टॉक शो ऑन एक्सप्रेस टीवी। दुआ और सलाम, आई हैं बहुत बड़ी मेहमान, नाम है उनका हाजरा यामीन। ड्रामों में कैसा दिखती हैं ये बताएगी आवाम। लेट्स टॉक टू पीपल। अस्सलाम वालेकुम, हाजरा यामीन को जानती हैं? आज हमारी गेस्ट हैं एक्सप्रेस चैनल। जी जानते हैं। ड्रामा इनकी एक्टिंग कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छी है, गुड लुकिंग है, बहुत अच्छी एक्टर है, इनके ड्रामे भी बहुत अच्छे आते हैं। इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, अच्छी लगती है मुझे। अच्छी है, इट्स प्रीटी गुड, अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी लगती है, माशाल्लाह से अच्छा करती है। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग। इनके इतने रोने वाले ड्रामे क्यों होते पहले मुझे? हर ड्रामे में रोती बहुत है, इनका जो भी कैरेक्टर होता है वो रोने वाला बहुत, बहुत संजीदा होता है, काफी अच्छी लगती है। मैंने ऐसे चिन को इतना देखा नहीं है, इस वजह से मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इनके बारे में। अच्छा ये बताइए किस एक्ट्रेस के साथ ज्यादा प्यारी दिखती है? खुद ही इतनी प्यारी है, सबके साथ अच्छी। इमरान अब्बास, अली अब्बास के साथ ज्यादा अच्छी लगती है। जुनैद खान के साथ इनका एक ड्रामा है, सबके साथ ही अच्छी दिखती है। इतना मैंने गौर नहीं किया, आइडिया नहीं है। मे बी फरोज खान, हाँ चली। मुझे तो मिकाल जुल्फिकार पसंद है, तो उसी के साथ कर ले। तकरीबन सबके साथ ही अच्छी लगती है। जुनैद खान। आउट ऑफ 10 क्या रेट करेंगे? आउट ऑफ 9। 6। 7.5। 9.5। 10 आउट ऑफ 10। 8। 9। 8। 7। Like 10, 10 out of 8. 10 में से 10? 9. Positive role में ज़्यादा अच्छी लगती हैं या negative? I think positive role ज़्यादा suit करते हैं। चलें, आप इनके लिए कोई advice देना चाहें? माशाल्लाह से ये बहुत खुद ही बहुत प्यारी हैं, मैं क्या advice दूँ इन्हें? Acting अच्छी है, बगैर आप अभी dramas में नहीं आ रही, तो मैं चाहती हूँ कि आप आएँ ताकि हम आपको देखें। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने का, एक बार मैं आपसे मिलूंगा मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन थोड़ी संजीदा इनको बोले मुस्कुराती रहा करें, जो कर रही है अच्छा काम कर रही है। ज्यादा ड्रामे नहीं देखे इनके मैंने, बस एक दो ड्रामे ही देखे होंगे। थोड़ा सा बालों को अपना समेट लें बस, ये थोड़ा सा अक्सर इनके बाल खुले होते हैं ना ड्रामों में, तो थोड़ा सा समेट लेंगे बाल। थैंक्स योर ओपिनियन। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं हाजरा यामीन के लिए, और मिलते ही रहेंगे क्योंकि आप हैं इतनी अच्छी। Sweet, who is this guy? Sarfaraz. Very sweet. Hajra, itna overwhelming feedback, itni tareefein yaar, kaisa lag raha hai aapko? Yeah, bahut sweet hai.